नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। आइए जानते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों, कुंभकर्ण रावण का भाई तथा विश्वा का पुत्र था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष तथा मोटाई 100 धनुष थी। उसके नेत्र गाड़ी के पहिए के बराबर थे। उसका विवाह वे रोचक की कन्या ब्रजज्वाला से हुआ था। वह जन्म से ही अत्यधिक बलवान था। उसने जन्म लेते ही कई हजार प्रजा नखों को खा डाला था। उसे बेहद भूख लगती थी और वह मनुष्य और पशुओं को खा जाता था। उससे डरकर प्रजा इंद्र की शरण में गई कि यदि यही स्थिति रही तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। इंद्र ने कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। उसने ऐरावत हाथी के दांत को तोड़कर उससे इंद्र पर प्रहार किया। इससे इंद्र जलने लगे। कुंभकर्ण ने घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। अतः जब वे उसे वर देने के लिए जाने लगे तो इंद्र तथा अन्य सब देवताओं ने उससे वर ना देने की प्रार्थना की, क्योंकि कुंभकर्ण से सभी लोग परेशान हो चुके थे। ब्रह्म बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सरस्वती से कुंभकर्ण की जीवा पर प्रतिष्ठित होने के लिए कहा। फलस्वरूप ब्रह्म के यह कहने पर कि कुंभकर्ण जब वर मांगे उसके अनेक वर्षों तक सो पाने का वर मांगा। ब्रह्म ने वर दिया कि वह निरंतर सोता रहेगा। 6 माह के बाद केवल 1 दिन के लिए जागेगा। भूख से व्याकुल वह उस दिन पृथ्वी पर चक्कर लगाकर लोगों का भक्षण करेगा। कुंभकर्ण के विषय में श्री रामचरितमानस में भी काफी कुछ जानकारी दी गई है। रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान था। इससे टक्कर लेने वाला कोई योद्धा पूरे जगत में नहीं था। वह मंदरा पीकर 6 माह सोया करता था। जब कुंभकर्ण जागता था तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाता था। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाइयों ने ब्रह्म जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्म जी प्रकट हुए तो कुंभकर्ण को वरदान देने से पहले चिंतित थे। इस संबंध में भी श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि रावण को मनचाहा वरदान देने के बाद ब्रह्म जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर ब्रह्म जी के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ब्रह्म जी की चिंता का कारण ये था कि यदि कुंभकर्ण हर रोज भरपेट भोजन करेगा तो जल्द ही पूरी सृष्टि का नष्ट हो जाएगा। इस कारण ब्रह्म जी ने सरस्वती के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। कुंभकर्ण ने मति भ्रम के कारण 6 माह तक सोने रहने का वरदान मांग लिया था। सीता हरण के बाद भी श्री राम वानर सेना सहित लंका पहुंच गए थे। श्री राम और रावण दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा। उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। जब रावण ने कई महारथी मारे जा चुके थे तब कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया गया। कई प्रकार के उपायों के बाद जब कुंभकर्ण जागा तो उसे मालूम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है, तो उसे बहुत दुख हुआ था। कुंभकर्ण दुखी होकर रावण से बोला कि अरे मूर्ख, तूने जगत जननी का हरण किया है और अब तू अपना कल्याण चाहता है। इसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को कई प्रकार से समझाया कि श्री राम से क्षमा याचना कर ले और सीता को सकुशल लौटा दे ताकि राक्षस कुल का नाश होने से बच जाए। इतना समझाने के बाद भी रावण नहीं माना। जब रावण युद्ध टालने की बातें नहीं माना तो कुंभकर्ण बड़े भाई का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं और युद्ध में पराजित कर पाना असंभव है। इसके बाद भी रावण का मान रखते हुए वह श्री राम से युद्ध करने गया। वह अत्यंत भूखा था। उसने वानरों को खाना प्रारंभ किया। उसका मुंह पाताल की तरह गहरा था। वानर कुंभकर्ण के गहरे मुंह में जाकर उसके नाखूनों और कानों से बाहर निकल आते थे। अंत गोतत्व राम युद्ध क्षेत्र में उतरे। उन्होंने पहले बाणों से हाथ फिर पांव काटकर कुंभकर्ण को पंगु बना दिया। तदंतर उसे अस्त्रों से मार डाला। उसके शव के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गया।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको रावण के भाई कुंभकर्ण से जुड़ी ये रोचक बातें जरूर पसंद आई होंगी। ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं व्रत पूजा विधि जानने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।